सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टू माई गेमिंग चैनल अलोन बात से 2.0। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली हमारा जय करेक्टर क्यों रिमूव हो रहा है, उसके पीछे की असली वजह क्या है, तो उसी के बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और फ्री फायर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो जिस चैनल पर आती रहती हैं, और अगर आपको कुछ भी कमेंट करके पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि जय करेक्टर जो है रिमूव हो रहा है, तो उसकी असली वजह क्या है वो अभी किसी को भी नहीं पता है। और अगर फ्री फायर की तरफ से बात करें तो फ्री फायर ने सिर्फ इतना लिखा है कि हम जय करेक्टर को हटा रहे हैं स्टोर पर से, जिसके पास करेक्टर है ऑलरेडी से उसके पास रहेगा, लेकिन वो स्टोर पर से हट जाएगा, मतलब उसे आप खरीद नहीं सकते हो, वो किसी टॉप सीक्रेट मिशन पर जा रहा है। और ये मिशन क्या होगा उसके बारे में बताऊंगा। देखो, जब से जय करेक्टर लॉन्च हुआ है तब से ही उसका क्रेज, मतलब उसकी कोई हाइप नहीं बनी, मतलब उसे किसी ने ज्यादा खरीदा नहीं, तो इतना ज्यादा उसका ढिंडोरा नहीं पिटा, मतलब सभी लोगों ने उसे खरीदा नहीं, तो इसकी वजह से फ्री फायर को, मतलब जो भी लॉस वगैरह जो भी हुआ हो, फिलहाल जो नुकसान या घाटा जो कुछ भी हुआ हो ऐसा, तो उसकी वजह से फ्री फायर जो है जय करेक्टर को फिर से मतलब रिलॉन्च करेगा तो इसकी एबिलिटी चेंज हो जाएगी, उसके साथ शायद कुछ और भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाए इसमें, और इसीलिए ये जो है हटाया जा रहा है अभी। लेकिन उसी के साथ गरेना ने यहाँ पर थोड़ा दिमाग का काम भी किया है। अगर एक तरफ से मतलब सोचोगे गरेना की तरफ से, तो उसके दो फायदे हैं। नंबर एक, वो करेक्टर को फिर से रिलॉन्च करेगा और फिर से शायद मतलब कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा डालेगा जिससे बंदे उसे खरीदेंगे। और इस टाइम पर गरेना को फायदा ये होगा कि बहुत से बंदे ये समझेंगे कि जय करेक्टर हमेशा के लिए चला जाएगा, तो चलो पहले उसे खरीद लेते हैं। तो ये मतलब काफ़ी लोग इस करेक्टर को खरीदेंगे इस टाइम ये सोचकर कि ये करेक्टर जाएगा और ये रेयर हो जाएगा, तो फटाक से खरीद लेते हैं। बहुत से बंदों ने खरीद भी लिया होगा, तो मतलब गरेना डबल मार्केटिंग कर रही है, इधर से भी अपना मतलब इधर से भी कमाएगी उधर से भी कमाएगी। फिलहाल ये एक मार्केटिंग है, इसकी स्ट्रेटजी है अच्छा, मतलब गरेना की मार्केटिंग स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। मैं तो काफ़ी पहले से देखता आ रहा हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा सोचता है अपनी मार्केटिंग पर। और ये इसकी रहते हैं, इसकी जय करेक्टर की बात रही तो उसकी एबिलिटी ही चेंज होगी, और ये आपको एक फेयरवेल इवेंट आएगा, जय फेयरवेल इवेंट, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा 7 दिन के लिए फ्री। 19 से 24 जुलाई लॉगिन करोगे, 7 दिन के लिए फ्री देखने को मिल जाएगा, जैसे आलोक दिया गया था पिछली एनिवर्सरी को, उसी टाइप से ये भी आएगा अपने 7 दिन के लिए फ्री। तो उसी टाइम में आप इसका मतलब जो भी है देख सकते हो एबिलिटी वगैरह, और उसके बाद ये अभी मतलब स्टोर पर से गायब हो जाएगा और बाद में फिर से रिलॉन्च करा जाएगा। तो यही वजह है कि जय करेक्टर को रिमूव किया जा रहा है, और जय करेक्टर फिर से आएगा नए एबिलिटी के साथ, नए डायमंड के साथ और नए तबाही के साथ, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे बंदे पागल हो जाएंगे फिर से जय करेक्टर के पीछे। तो फिर चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी और तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल पर आपको फ्री फायर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। और मेरी पिछली वीडियो चेकआउट नहीं की है तो वो जरूर से चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने आपको मिस्ट्री शॉप के बारे में बताया। तो फिर चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।